अगर आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ाना चाहते हैं तो आपको मेरे बताए हुए इम्यूनिटी बूस्टर लड्डू जरूर बनाना चाहिए। सभी इंग्रेडिएंट्स आसानी से घर में मिल जाते हैं और चाशनी बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, मेहनत भी कम लगती है, तो फिर चलिए बनाते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगे तो इंडियन टेस्टी रेसिपीज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। लड्डू बनाने के लिए कोई भी एक कटोरी सेट कर लेंगे और उस हिसाब से मैंने 1/4 कप आलमंड्स ले लिए हैं। आलमंड्स में बहुत सारी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, विटामिन के, प्रोटीन और जिंक होता है जो कि अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करता है। और फिर हम ले लेंगे 1 कप मखाना ले लेंगे जिसमें बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं, हार्ट पेशेंट के लिए भी वो ये बहुत अच्छा रहता है। फिर हम 1 चम्मच मैंने मेथी दाना ले लिया है, ये डायबिटिक रिस्क को कम करता है। और फिर मैंने ले लिया 1 सिनेमन स्टिक ले लिया जो अपने घर में आसानी से अवेलेबल रहती है। सिनेमन स्टिक अपने ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करता है और ये अपने कफ और कोल्ड को भी बहुत अच्छे से अच्छा करता है, बहुत अच्छा रहता है इसके लिए, इसलिए आप इसे ज़रूर डालें। इससे खुशबू भी आती है अपने लड्डू में। अब हमें इन सब चीज़ों को अच्छे से सॉटे करना है थोड़ा सा कलर चेंज होते तक। ये देखिए हमने अच्छे से सॉटे कर लिया है, अब हम इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर देंगे और फिर मुझे इसे अच्छे से पीस लेना है। इसे मैं मिक्सर के पॉट में ट्रांसफ़र कर लूँगी और फिर अच्छे से पीस लूँगी। ये देखिए इस तरह से। अब उसी सेम पॉट में हमें क्या करना है कि 1 कप मैं डेट्स ले लूँगी, सॉफ्ट वाले डेट्स लिया है मैंने इसमें, और थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि वो अच्छे से पीसने में आ जाए। अब हम इसे पीस लेंगे। ये नर्वस सिस्टम को अच्छे से स्ट्रॉन्ग करता है और बोन हेल्थ भी बनाता है। अब हम इसे साइड में रख देंगे। एक कढ़ाई को हमें लो फ्लेम पे रखना है और उसमें हम डेट का पेस्ट डाल देंगे जो कि हमें 10 से 15 मिनट तक हमें सॉटे करना है, क्योंकि जो हमने इसमें पानी डाला था वो इवोपरेट होना चाहिए और बहुत अच्छा हमारा पेस्ट उभर कर आएगा जिसे हम अभी लड्डू में डालेंगे। अब हमें 1 कढ़ाई में 1 कटोरी घी ले लेना है। घी को अच्छे से गर्म होने देना है और फिर उसमें हम 2 कटोरी रागी का आटा डाल देंगे। रागी का आटा आसानी से मार्केट में मिल जाता है और इसे हम अभी अच्छे से भून लेंगे। सौंधी सौंधी खुशबू आते तक हम भूनेंगे। अब भूनते वक्त इसमें हमें लग रहा है कि घी कम पड़ रहा है तो हम ऊपर से 1 कटोरी घी फिर से डाल देंगे, यानी 2 कटोरी रागी के आटे में हमें 2 कटोरी घी लगेगा। अब हमें इसे अच्छे से भून लेना है। हमें रागी के आटे के लड्डू इसलिए बनाने चाहिए क्योंकि इसमें फाइबर बहुत सारा होता है, अमीनो एसिड्स, आयरन भी बहुत होता है, विटामिन सी होते हैं, कैल्शियम, विटामिन डी भी बहुत होता है। ये ग्लूटेन फ्री होता है, उसके वजह से जो डायबिटिक पेशेंट रहते हैं वो भी आसानी से खा सकते हैं। ये हमें डायबिटिक कंट्रोल करने में बहुत यूज़फुल है, हमें एनीमिया भी कंट्रोल करने में ये यूज़फुल होता है और एनजाइटी और इंसोमनिया भी इससे कंट्रोल होता है। हमारे नर्वस सिस्टम को ये बूस्ट करता है, इसीलिए हमें रागी के लड्डू ज़रूर खाने चाहिए। अभी हमारा रागी का आटा भून के रेडी हो गया है तो उसमें हम ड्राई फ्रूट का जो पाउडर बनाया था हमने वो डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसमें हमने गैस लो पे रखा है ताकि आटा जो है वो जलने ना पाए। अब हम इसमें डेट्स का जो पेस्ट बनाया था वो पेस्ट डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आटा भी हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है तो अब हमें क्या करना है, इसमें 1/4 कप शुगर पाउडर डालना है। शक्कर का मैंने पाउडर डाला है इसमें। अगर आप डायबिटिक पेशेंट के लिए बना रहे हैं तो शुगर ना डालें और ऐसे ही लड्डू बना लें। अब हम देखेंगे कि लड्डू बन रहे हैं कि नहीं, बना के देखेंगे। अगर बाइंडिंग अच्छी है तो ठीक है, नहीं तो फिर थोड़ा सा उसमें और घी डाल देंगे। ये हमारे लड्डू बन रहे हैं। मैंने इसमें क्या किया कि शुगर से उसमें कोटिंग कर लिए जिससे बहुत अच्छे दिखते हैं और ये हमारे लड्डू तैयार है। तो फिर खाइए, खिलाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।